जो आज हमारी मीटिंग हुई है 32 जथेबंदी के, पहले हम 30 जथेबंदी अभी 32 हो गए, दो जथेबंदी हमारे समर्थन में होर आ गया जो 30 जथेबंदी, उसकी प्रधानगी सारे साथियों ने हमको सौंपी थे, हमने मतलब प्रधानगी करी है। मैं तो ज्यादा हिंदी तो नहीं बोलनी आती, पंजाबी लोगों मैं कोशिश करूंगा जी, हाँ पंजाबी कर देना। पहला तो असी रोडू सिंह मानसा पहला जी, अज असी सारिया जथेबंदियों वालों प्रेसला ते खास करके जिहड़े लोगों ने अज भारत बंद रखे है, शहरी लोगों ने दुकाना बंद करिया, जिहदी ट्रैफिक जा मतलब व्हीकल ते उन्होंने खड़ाए ने आपदे, खास करके असी 32 जथेबंदियों वालों मैं सारे लोगों का धन्यवाद करदा जिन्होंने सानू समर्थन दिता है, ते ओ समर्थन दे नाल अज दे बंद दे नाल तां सेंटर सरकार झुकी है। जदों सारे लोगों की हिमायत मिल जाए, विदेशों से हिमायत मिल जाए, तो सरकार झुकना पैंदा है। अज वाली प्रेस साडी मीटिंग दे विच मतलब जिहड़ा सेंटर सरकार सानू यह कहिंदी थी भी दिल्ली दे विच असीं पैर नहीं धरन दिंदे, सवाल ही नहीं पैंदा, हरियाणे च भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, हरियाणे का मुख्यमंत्री कहता थी भी पंजाब के लोगों असीं पैर नहीं धरन दिंदे, पर मैं बधाई दिना जिहड़ियां साडियां जथेबंदियां हरियाणे वालियां ने, वो जे कह दिए हरियाणा ते पंजाब छोटा वड्डा भाई है, तो उन्होंने की करिया साडे छोटे भाई ने सातों पहला बैरियर तोड़ के जे कह दिए साफ करके सड़क साडे ने मुझे सड़क साफ कीतियां, वो दिल्ली नूं कूच कीता, ते मगरों साडे नौजवान लड़न वाले लोग असीं उत्थों मगर बैरियर तोड़ के दिल्ली पहुंचे हाँ, पर जदों असीं दिल्ली इत्थे पहुंच गए सड़क ते बह गए तां शाह जी ये गल कहिंदे सीगे, अमित शाह भी फिर तां मैं तुहानूं मीटिंग देऊंगा जे साडी शर्त मन्नोगे, पर साडियां जिहड़ियां लड़न वालियां जथेबंदियां ने उन्होंने बिल्कुल शाह की गल नूं ठकराता भी कोई शर्त नहीं मन्नांगे, शर्तों की मनाउणा चाहुंदे सीगे, जिहड़ा उह सानूं अगाह बाग दे उत्ते बैठण वास्ते बगराड़ी उह मतलब एक खुली जेल है, जाके प्रेस वाले हुण देख सकते ने तंबू लगे ने, जेल वाले तंबू लगे ने, वह सानू उत्थे बंद करना चाहते थी, पर साडी लीडरशिप की सूझमान, साडे लड़न वाले लोगों की सूझमान, तो असी इत्थे बैठ गए, हाँ असी मंगिया जी इन्हां तों सानू रामलीला ग्राउंड दिओ, असी ना दिल्ली के लोगों को तकलीफ देनी चाहते हाँ, तो ना असी हरियाणे के लोगों को खेई देना चाहते हाँ, सानू रामलीला दित्ती नहीं, उत्थे सानू जेल च बंद करना चाहते, उत्थे असी गए नहीं, असी तकलीफ नहीं दिंदे, सानू सेंटर सरकार ने इत्थे रोकिया होया, जिहड़े सानू इह कहिंदे शर्तां मर के पहला मीटिंग साडे नाल शुरू कीतियां, चार मीटिंगां होईयां कोई मतलब सेंटर दे वजीरां ने कोई राह नहीं दिता, ते फिर जदों असी सारी प्रेस नूं पता है जदों चुप धार ली, सारी लीडर जथेबंदियां कहता भी हुण तुसीं बोली चलो, क्यों कहिंदे जी कल्ले कल्ले मुद्दे ते गल करो, असी कहिंदे जी कल्ली कल्ली मंग ते गल करो, जिहड़ी असी 8 मंगां दित्तियां, मुद्दिआं दा कोई मतलब नहीं, कल्ली कल्ली वो कहिंदे जी जिहड़े मतलब 3 कानून बनाए ने उहदे विचों जिहड़े मतलब मुद्दे ने इक इक दे कर लो, असी बिल्कुल पहले दिन ही जवाब देता सीगा भी असी उहते गल बिल्कुल नहीं करांगे, पर उन्होंने भी इस गल ते अड़े रहे, पंजवीं जे कह दीए पंजवीं मीटिंग दे विच सानू सारे लीडरां नूं चुप धारनी पई, पौना घंटा उन्होंने अफसर ते उन्होंने लीडर मंत्री बोली गए, ते फिर जिहड़े साडे चाल बुलारे ने वधिया सूझ दे नाल साडी अगवाई कर रहे नेगे, उन्होंने उन्होंने फिर कहा बलवीर सिंह राजेवाल आप बोलो, उन्हें हाथ बनते मैं बोलना नहीं, दर्शनपाल डॉक्टर तुसी बोलो, उन्हें हाथ बनते सिर मारता सत श्री अकाल जी, मतलब चारा नूं साडे बुलारे नूं बोलण तों जवाब देता, ते फिर उठ के बाहर गए, ते फिर सानू कहा आके भी हाथ जोड़ के कहा सानू मीटिंग दा टाइम दिओ, असीं कहा मंगो, कहिंदे 7 तरीक दे दो, असीं कहा साडे गुरु ने मनना नहीं, 7 तरीक तक तुसीं आपदे गुरु नूं मना नहीं सकना, होर समां लै लो, सानू कोई टिक्का नहीं, साडा कोर्ट जिन्ना मर्जी लम्मा हो जाए, तां उहनां फिर कहिंदे सानू 8 तरीक दे दो, असीं कहा 8 नहीं दिंदे, 8 असीं भारत बंद करिया सारियां जथेबंदियां ने, कहिंदे 9 तरीक दे दो, 9 देती, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ
दूजिया स्टेटा के आगू वो हरियाणा के यूपी वाले दूजिया स्टेटा असी 13 आगुआ ने जाना असी उत्थे अज भी प्रेस नूं कह के जाना असी कुछ नहीं बोलना असी शाह नूं पुछना महाराज तुसीं सानू सद्दिया दसो की कहने हो की थोड़े दिमाग की गल है की किसानों दी गल्लां मानदे हो की कहो करदे हो सरकार हुण एक इस गल ते अड़ी हुई है बार बार कहती है असी पंजाब की मतलब मंग मान लाने उमें चुकर लागू रह देने हरियाणे की मान लाने वह सानू भुल भुल गए साडी कौम नूं वह भुल गए साडे लड़न वाले लोगों साडे दसे गुरुआं ने आके इत्थे सीस दित्ता है चाहे किसी के उत्ते भीड़ पई थी चाहे वह मतलब कह दिए राजे नूं बाहर कढ के लिया असी बिल्कुल यूपी दीआं मंगां सारे भारत के किसानां दीआं मंगां मना के फिर दम लवांगे मैं तो एक ही गल कहना हुन्ना ज्यादा किसानों मंगा दवा के ले जावांगे ते जां डांगा खा के जावांगे एदू घट साडा कोई सबर नहीं है क्या मतलब गल मैं एक ही गल कह के आपकी गल समाप्त कर साडे दूजे लीडर बोलणगे मैं एक गल कही है प्रेस नूं भी कहना 47 मेरे बापू ने वेखी ते 84 मैं देखी ते आ दिन मेरा पोता देखू दिल्ली दे विच नाल मेरे इत्थे दिल्ली दे विच पोता देखू ओह इतिहास लिखूगा भी साडे दादियां दे नाल की बनी मोदी जो मर्जी सोचे ये लड़ने लोग सारे भारत के लोग वह हरियाणे के होण यूपी के होण असी जे खेतों के औखा कम कर सकते हैं खेतों के साडे सप लड़ सकदा साडा बिजली नाल हत्थ लग सकदा फिर असी इन्हां दीआं गोलियां जो करदे सारियां मंगां मना के जावांगे हुण मैं बेनती करदा साडे हरियाणे के आगू ने गे ते इह गल करनगे सभी मीडिया वाले भाइयों को चले जाइए भाई साहब यहाँ जाओ कोई बात नहीं सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार ये जो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर नीचे है 30 जथेबंदी या 32 जथेबंदी नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है पंजाब का आंदोलन ये ना समझा जाए सारे देश का आंदोलन है और 5 दौर की बातचीत में अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हम सफलता नहीं कह सकते लेकिन आज फिर अमित शाह जी ने मीटिंग बुलाई है और उसमें जा रहे हैं उसमें क्या निकलेगा तो जाके ही पता लगेगा लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार को देख लेना चाहिए कि ये केवल किसान का आंदोलन भी नहीं बचा अब तो पूरा जन समर्थन आज का जो बंद है उसको सुपर बंद कहा जा रहा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बंद है आज सभी प्रदेशों में छोटे बड़े सभी प्रदेशों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है जो खबरें आ रही हैं तो इससे उनको समझ जाना चाहिए कि अब बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं और फिर हम दोहराते हैं कि हमारी जो मांगे हैं तीनों अध्यादेशों को वापस करवाने की MSP की गारंटी का कानून बनवाने की इससे नीचे हमारा कोई फैसला नहीं होगा और अमित शाह जी आज बुला रहे हैं उनको जाएंगे उनकी सुनेंगे उसके बाद ही अपना कोई फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है लेकिन आज का जो सब जो बंद है उसके लिए हम आपकी प्रेस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी जो जिन्होंने समर्थन किया है चाहे उसमें कोई भी वर्ग है उसमें वकील वर्ग है पेट्रोलियम वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं दुकानों वाले हैं व्यापारी हैं कर्मचारी हैं उन सभी के अति आभारी हैं अति धन्यवादी हैं कि जिन्होंने तहे दिल से इस बंद का समर्थन किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस बंद को कामयाब बनाया है पूरे देश की जनता के आगे आज हम नतमस्तक हैं कि जो देश के किसानों का उन्होंने इतना सम्मान किया है देश के किसानों को इतना सम्मान दिया है कि उसमें अपनी मर्जी से पूरे भारत को उन्होंने आज पूरी तरह बंद जो है उस कामयाब बनाया है दोबारा फिर मैं एक बार सभी देशवासियों का सभी समर्थन करने वालों का और सभी वर्गों का सभी संगठनों का धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद और अगले जो वक्ता हैं अज साडा जिहड़ा घोला है वो लगातार जित वल वध रहा है भोग सिंह मानसा भारतीय किसान यूनियन मानसा सूबा प्रेजीडेंट भोग सिंह मानसा प्रेजीडेंट भारतीय किसान यूनियन मानसा अज जिहड़ा साडा घोला है उस नूं फल लग रहा है भारत पद्धर का किसान भारत पद्धर के लोग प्रोड्यूसर प्रोसैसर
कंज्यूमर सारे साढ़े नाल ने, उसने सिद्ध करता कि जिहड़ा अज असी बंद का सद्दा दिता सी, सारा भारत बंद होया। सारे भारत के लोग वो भावें कोई भी काम करते ने, किस तरह का भी उन्हों का बिजनेस है या कारोबार है, मजदूर है, मुलाजम है, सारे ने साडा साथ दिता है। असी अज इस घोल की तरफों, संयुक्त मोर्चे की तरफों सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां, जिन्हां ने अज मोदी की सरकार ने दस दिता है कि जिहड़ा ये अंदोलन है, जिहड़ा ये संघर्ष है, जिहड़े काले कानून ने, इन्हां दा देश दे 85% लोगों पर असर है। वह 85% लोग जिहड़े साडे इस घोल दे नाल हमायत दे विच आ ला लो जां सीधे रूप शामिल ने, सो असीं उन्हां सारिआं दा धन्नवाद करदे हां। और असीं जिन्हां चिर काले कानून है जिहड़े पास किए ने, ये रद्द नहीं किए जाते, बिजली एक्ट रद्द नहीं किया जाता, जिहड़ा पराली वाला आर्डीनेंस लिया जाता वह रद्द नहीं किया जाता, जिहड़े मतलब अपना MSP है वह लागू नहीं की जाती अच्छी तरह जिहड़ा हैगा कानूनी तौर पर, और जिहड़ी प्रोक्योरमेंट है वो सरकारी जिहड़ी खरीद है वह कानूनी तौर पर यकीनी नहीं बनाई जाती। तद तक जिहड़ा ये साडा अंदोलन जारी रहेगा। अज की मीटिंग का की रिजल्ट निकलता है वो भी असं अज रात को वापस आने पर फिर मीटिंग करनी है। उस मीटिंग तो बाद जो कुछ प्रक्रिया होगी वो अगले दिन जिहड़ा हैगा असं अनाउंस करांगे, और अगले दिन ही जिहड़े अगले घोल की जिहड़ी रूपरेखा है वो लिखी जाएगी। धन्यवाद सारी प्रेस वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਣੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਭੀ ਬੰਧੂਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਕਾ ਵੋ ਪਹਿਲੂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏ। इस पर सरकार की पूरी कोशिश है, कैसे इसको खालिस्तान के साथ जोड़ा जाए इस पर पूरी कोशिश है, किसको ऐसे विदेशी ताकतों के साथ जोड़ा जाए इसकी पूरी कोशिश है। हमने 3 दिन पहले की बैठक में कहा था, आज भी कुछ देशों ने समर्थन दिया है कि ये हमारे देश का मामला है, हमारे घर का मामला है, हम अपने घर में इसको हम सुलझाएंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, मगर बाहरी किसी शक्ति की हस्तक्षेप हमको बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारी चिंता विदेशों में कर रहे हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पर हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। एक अब दूसरी जो व्यवस्था है वो ये कि भारत में खास तौर से दक्षिण भारत के लोग आपको इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। 350 आदमियों को अरेस्ट किया अय्याकन्नू के साथ, केरल में अरेस्ट किया, ट्रेन का चार्ट देख के अरेस्ट कर रहे हैं, दूरी बाहर है। अय्याकन्नू किसी प्रकार से अपनी दाढ़ी मुड़वा कर और एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो 50 पुलिस वाले वहां पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं और उनको करोल बाग थाने के पास ले जाकर एक लॉज में ठहराया गया। मैं सुबह जब उनको लेने के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो खड़े हुए थे और उनके साथ काफी फोर्स खड़ा था, तो हमारी गाड़ी को भी वो थाने ले गए, हमको भी थाने ले गए करोल बाग। हमसे कहा कि आप तो जा सकते हैं, इनकी जांच जरूरी है। अय्याकन्नू वो व्यक्ति है जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर 141 दिन लगातार बड़ा प्रभावी आंदोलन किया था, अभी वो थाने में बैठे हुए हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। एक व्यक्ति के पीछे 250-250 का फोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास खड़ा था। आतंकवादी की भी इतनी चिंता नहीं होती जितना एक किसान की दक्षिण भारत की है, तो वो ये कि दक्षिण भारत से कोई किसान आ ना पाए इस आंदोलन में ताकि वो स्वरूप ना देख पाए, ये कोशिश है। इस कोशिश को हम नाकाम करेंगे, इसकी चर्चा भी हम ऊपर लेवल पर कर रहे हैं, और अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो फिर हमको कोई ना कोई कमेटी में बैठ के निर्णय करना पड़ेगा। अभी बैठक के लिए हम लोग जा रहे हैं, मांगे वही हैं जो मेरे सब साथियों ने बताई हैं, और उससे पीछे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम डेड लाइन पर खड़े हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कोने से आप इधर, मैं पीछे खड़े होके बोल दूं, खड़े होके बोल दूं, कोई नहीं, मैं इधर कई पत्रकार साथियों ने पूछा है, मैं बता दूं। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता थे आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी,
आप राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महाअध्यक्ष हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं रुलदू सिंह मानसा जी, उसके बाद बोले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, और हमारे साथ थे बोक्सिंग मानसा साहब, भारतीय किसान यूनियन मानसा के। साथियों, मैं जानता हूं आपकी रुचि 7 बजे की मीटिंग में होगी, लेकिन मैं आपको आज दिन के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बारे में तो उत्तर हमारे अध्यक्ष जी और बाकी साथी देंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन इस देश ने देखा है। किसानों के द्वारा किया गया भारत बंद जिस तरह की ऐतिहासिक सफलता हुई है, आमतौर पर आप सब जानते हैं जब किसान संगठन कोई बंद का कॉल देते हैं तो 4 महीने का नोटिस देते हैं, 4 महीने की तैयारी करते हैं। जब 4 दिन के नोटिस पे हमने बंद का कॉल दिया, लोगों का फोन आया, पागल हो गए, 4 दिन में तुम भारत बंद कर दोगे? और आज शाम तक, अभी तक खबर है दोस्तों, खबर आती जा रही है हर मिनट मिनट में, अंदाजन 10,000 जगहों पे देश में ये बंद ऑब्जर्व किया गया, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से। जो कहते थे सिर्फ पंजाब हरियाणा में है, हमारे पास अब तक 25 राज्यों से रिपोर्ट आ रही है बंद की ऑब्जर्वेशन की। नॉर्थ ईस्ट के जो हिल स्टेट्स हैं वहां से अभी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई है, 25 स्टेट से इंफॉर्मेशन आ गई है बंद ऑब्जर्व होने की। जो कहते थे कि सिर्फ किसान है, अब तो किसान नहीं, जैसा हमारे साथी गुरनाम सिंह जी ने बताया, मछुआरे हैं, सैंड माइन वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, स्टोन क्वारी वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, इंडस्ट्रियल वर्कर के जो फेडरेशन हैं 10, उन सब ने तो सपोर्ट किया ही है, रेल वर्कर ने सपोर्ट किया है, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, विद्यार्थियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, आर्टिस्ट ने, देश के 3 बड़े लेखकों ने, मुलगन साहब तमिलनाडु से, टीएम कृष्णा तमिलनाडु से, और पंजाब के नहीं देश के बहुत बड़े लेखक सुरजीत सिंह पात्र, इन तीनों ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन जाहिर किया है। पात्र साहब ने तो अपना अवार्ड वापस करने की घोषणा की। तो सिर्फ किसान का नहीं है, इतनी बड़ी जो सफलता हुई है, ये सफलता हमारी वजह से नहीं है। देश के 450 से ज्यादा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो 450 भी मिला के काम नहीं कर सकते थे। ये इसलिए हुआ है कि हर हिंदुस्तानी ने इसे अपना आंदोलन बना लिया। कोई जो बेंगलोर में आईटी सॉफ्टवेयर में काम करता है उसको भी याद है कि उसके पिताजी का किसानी से लिंक था। बंबई का चार्टेड अकाउंटेंट है, वो भी कहता है मेरे दादाजी आड़ती हुआ करते थे। हर हिंदुस्तानी के मन में कहीं ना कहीं किसान है। आज हम उस किसान को सलाम करते हैं, उस किसान ने आज अपनी आवाज उठाई है। मैं कुछ राज्यों की सूचना आपको दे दूं जो अब तक हमारे पास आई है। कर्नाटका में, क्योंकि बात पंजाब हरियाणा की हो ही रही है, पंजाब हरियाणा में टोटल बंद है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही है। कर्नाटका में 100 तालुका के अंदर टोटल बंद हुआ है, बाकी में पार्शियल बंद हुआ है। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के जितने जिले हैं वहां पे कंप्लीट बंद हुआ है। अयाकन्नू जी की बात तो आपने बताई तमिलनाडु से। महाराष्ट्र के बारे में फैलाया जा रहा था कि शेतकारी संगठन साथ नहीं है, शेतकारी संगठन की तरफ से कंप्लीट बंद ऑब्जर्व किया गया। बुलढाणा में तो रेल भी रोक दी गई है, जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं था। वैसे अन्ना हजारे जी की तरफ से भी आज एक दिन का सांकेतिक फास्ट हुआ है। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में कोई 200 फार्मर लीडर को प्रिवेंटिव डिटेंशन में कल रात को अरेस्ट कर लिया गया है। चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, और गुजरात के डीजीपी ने तो स्टेटमेंट दिया है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेना ही नहीं, कोई सोशल मीडिया पे इसका फोटो भी शेयर करेगा उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। ये आज घोषणा हुई है गुजरात के अंदर। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ किसान एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, हमारे पास सब जिलों से खबर है। बहराइच, बाराबांकी, खेरी, प्रयागराज, लखनऊ, सब तरफ, और कानपुर, सब तरफ किसान कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एकदम आतंक का राज शुरू कर दिया है। तेलंगाना में लगभग कंप्लीट बंद हुआ है, त्रिपुरा में लगभग कंप्लीट बंद हुआ है, असम के किसान संगठनों ने रैलीज ऑर्गेनाइज की हैं पूरे देश भर में। तो ये जो बात थी कि सिर्फ हरियाणा पंजाब है, वो तो हमने 4 दिन में साबित कर दिया है। ये बंद बहुत कुछ खोलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जब खोलने की बात करते हैं तो वो बंद करते हैं।
मंडी बंद, एमएसपी बंद, राशन बंद, किसान की किस्मत बंद, किसान खुद पराली के अंदर बंद, सस्ती बिजली बंद। लेकिन जब किसान बंद करता है तो वो खोलता है। आज के भारत बंद ने भारत सरकार की आंख खोल दी। उन्हें पता लग गया, उम्मीद है कि आज से कोई केवल हरियाणा पंजाब की बात नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर जी ने हमारे साथियों को जो बुलाया है उनको कल रात तक इनपुट आ गया होगा कि ये कितना बड़ा है, इसीलिए होम मिनिस्टर ने विचलित होकर हमारे साथियों को बुलाया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर को इनपुट आ गया था। दूसरा, ये भारत सरकार के कान खोलेगा। दिल्ली जरा ऊंचा सुनती है, बहुत टाइम से इन्हें सुन नहीं रहा था कि किसान क्या मांग रहे हैं। किसान कह रहे थे तीनों बिल रद्द करो, एमएसपी की लीगल गारंटी दो। सरकार इधर उधर चीजें बात कर रही थी, उनको सुन भी नहीं रहा था। तो मेरी उम्मीद है कि ये बंद सरकार के कान भी खोलेगा। और वार्ता में जो गतिरोध आया हुआ है, रुकी हुई है, हमारे साथियों को चुप्पी करनी पड़ी, मौन करना पड़ा, यस और नो के सवाल पूछने पड़े। उम्मीद है कि इस बंद से ये जो गतिरोध है वो भी खुलेगा। 7 बजे की वार्ता में क्या निकलेगा आपको पता लग जाएगा, कल औपचारिक वार्ता होगी आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं बस अब एक वार्ता की कसर बची है, बाकी सब वार्ता हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी को कमरे में बैठ के एक शीशे के सामने अपने आप से वार्ता करनी चाहिए कि इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों का भविष्य बड़ा है, ये लाखों लोग जो दिल्ली घोर घेर के बैठे हैं उनकी आवाज बड़ी है, या कि तुम्हारा अहंकार बड़ा है। आज बस अब एक चीज अटक गई है, बाकी कुछ नहीं। सरकार के लोग भी अंदर से कहते हैं यार फंस गए, ये उसने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर दी, फंसे तो हुए हैं। अब ये है कि जी मोदी जी की नाक अटकी हुई है, प्रधानमंत्री कैसे छोटे हो जाए, उन्होंने तो मुंह से बोल रखा है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अपने आप से वार्ता कर लो, थोड़ी सी वार्ता कर लो, पूछ लो कि आपका अहंकार अहम बड़ा है या कि इस देश के किसान का भविष्य बड़ा है। लोकतंत्र में जो जनता के सामने झुकता है वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। हमारी उम्मीद है कि ये होगा और जीत के जाएंगे। दोबारा बता दूं, हमारे साथियों ने बोला है हम अपनी मांगों पर अडिग हैं, कोई समझौता नहीं, पूरा इनको रिपील करना है और एमएसपी की लीगल गारंटी लेनी है। किसानों ने अपना रुख सख्त नहीं किया है, हम वही बात हमेशा बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, अडिग हैं, और ये किला फतेह करके ही किसान जाएगा। धन्यवाद। यादव जी, वो तो उनके मंत्री अभी भी ट्वीट करते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो तो बहुत कुछ करते हैं, मतलब सरकार हार तक नहीं कहती, मैं हार गई कदे नहीं कहती होंगी, ना असं मना गए हार कदे वास्ते सरकार, पर सरकार पिछे तो हट गया ना, हमारी मीटिंग सद लिया, अज हमारी मीटिंग सद ली, कहते बहुत कुछ है। जो हम लड़ने वाले लोग हैं ना, सरकार को उस लाइन पर आना पड़ेगा। और सवाल करो बेटा, कल अभी तक बचाल वाला रास्ता निकलना ही नहीं, ओही रहेगा, ओही रहेगा। जो हमारिया सारिया मंगा सेंटर सरकार नहीं मनेगी, उतना चर असी संघर्ष करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं, बचाल का रास्ता निकलेगा ही नहीं। ये जानना चाहते हैं कौन कौन लीडर जा रहे हैं, हमारे 13 लोग जा रहे ने। हाँ समझ गया, लिस्ट है तो लिस्ट दे मुंडू लिस्ट मतलब जदों दोनों कोई वध है, मतलब मीटिंग चो मंत्री ने सानू ए गल भी कही, खेतीबाड़ी मंत्री ने भी एक पासे वार्ता चलती है ते एक पासे तुसी मोदी दीआं 5 तरीक नूं अर्थियां साड़ी जाने हो ते एक तुसी 8 तरीक नूं भारत बंद करी जाने हो। असी कहा मंत्री साहब तू साडे नाल हां करके जाना है ते बाहर जाके प्रेस नूं कुछ होर कहना भी वधिया ते तेरी चंगी गल है, तू साडे नाल मीटिंगां करदा है ते मोदी साहब जाके किते होर कर विशेष तौर ते बोलदे ने, वधिया कानून है जे फिर ओ बोल सकदे ने। सर 13 लोग बता दीजिए फिर हम कहने ए हां सूची बुलाते हैं लोग, सुनिए जी सुनिए, जो साडे किसान आगू अज अमित शाह जी मीटिंग जा रहे ने जो 7 बजे हो रही है, ओदे च हन अकरियां रख
राकेश टिकैत जी यूपी, गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा, हनन मौला जी कुर्सी तो बोलो, हाँ जी शिव कुमार टक्का जी एमपी से, बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब, जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब, रुलदू सिंह मानसा पंजाब, मनजीत राय पंजाब, बूटा सिंह बुरजगल पंजाब, हरिंदर सिंह, हाँ जी आराम से दोबारा सर काका जी के बाद एक एक करके एक मिनट, हाँ जी बलवीर सिंह राजेवाल राकेश टिकैत यूपी, गुरनाम सिंह चडूनी हरियाणा, हनन मुला जी साउथ बंगाल, शिव कुमार काका जी एमपी मध्य प्रदेश एमपी हुआ जी, बलबीर सिंह जी राजेवाल पंजाब, जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब, रुलदू सिंह जी मानसा पंजाब, मनजीत राय जी पंजाब, बूटा सिंह बुरजगिल पंजाब, हरिंदर सिंह लखोवाल पंजाब, दर्शन पाल जी पंजाब, कुलवंत सिंह संधु पंजाब, 13वां नंबर बोक सिंह मानसा दासदा जी, तो ये 13 जिहड़े साडे आगू ने वो अज दी मीटिंग दे विच जा रहे ने, आ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद उन्होंने दिल्ली नूं रवाना होना, सो इस करके सारे साथी है जिहड़े वो नोट कर लैण। अगे रुदू सिंह पीछे से सवाल आ रहे हैं, तो पहला नाम ऊपर करदी रही आ, जे कल भी यही ड्रामा रहा ते अगली रणनीति की होगी तुहाडी? नहीं नहीं मतलब जिहड़ी कल नूं मीटिंग रखी है ओहदा रिजल्ट अज वाली मीटिंग निकल जाणा है, जिहड़ी होण वाली मीटिंग है। जे मेरी बात तो सुनो ना, जे शाह को कुछ ना मिले फिर कल दी कल दी मीटिंग है। अपना रामलीला ग्राउंड में ये हम मीटिंग सदेंगे ना, हम कोई मुद्दा नवाज आता है कल्ला लीडर कोई लान नहीं कर सकता, जे सरकार हमको पेश करेगी भी आप निभा बात सुन लो ना, भी कहेगी आप रामलीला ग्राउंड भाग जाओ फिर हम मीटिंग सदेंगे, भी जाना है कि नहीं जाना। पहले वाली गल्लां हो गईयां दूर, नहीं जो जब पहले पहले आते हैं बहुत कुछ सोच लेंगे, जो जंग बारे तेज हो जाए ना उदो मौके पर सोचा जाता क्या करना है। थैंक यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है 2 मिनट थोड़ा सा।